हरिद्वार में 13 साल की एक लड़की के गैंगरेप के बाद हत्या करने के मामले में बीजेपी के नेता आदित्य राज सैनी के साथ अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग की हत्या और गैंगरेप के मामले में हरिद्वार पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। मामले में नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी ओबीसी आयोग के नामित सदस्य के पद से भी हटा दिया है। और आइए सुनते हैं क्या कहना है भाजपा के नेता विधायक जो है विनोद चमोली का। मामला गंभीर है, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है, उनको पार्टी से निष्कासित किया है। कानून भी अपना काम कर रहा है, लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कहीं ना कहीं चरित्र की शुचिता और वाणी की विनम्रता, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कोई भी सार्वजनिक जीवन में। अगर तो हमको भी ये देखना चाहिए कि किसी की, जिसको हम पार्टी में आगे कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर कहीं पर भी लगता है कि पहले कोई इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियाँ रही हैं या ऐसे मामलों में कोई लिप्त रहा है, तो हमको उसको दूर रखना चाहिए, पार्टी से भी दूर रखना चाहिए और दायित्वों से तो पूरी तरह दूर रखना चाहिए। और वहाँ के SSP ने कहा है कि हरिद्वार पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आदित्य राज सैनी को यह पता था कि यह लड़की की सुबह मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद भी उसने पुलिस को इस संबंध में न तो कोई सूचना दी न ही, और इसके बाद इसके साथ साथ इसको कंसील करने का भी प्रयास किया। इसलिए आदित्य राज सैनी को 120B में हम लोगों ने इसमें शामिल किया है, और साथ में और बार बार वो जो मृतका की माँ है उसको पुलिस के पास जाने से रोकता रहा, ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, इसलिए पुलिस के द्वारा उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। साथ में 2 अन्य लोग जिनको अभी पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। अभी 3 लोग वांछित चल रहे हैं, 6 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 3 लोगों पर भी और मुकदमा दर्ज है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 9 लोग हैं, हालांकि जो 3 लोग हैं ये अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस की टीम इन्हें लगातार तलाश करने का प्रयास कर रही है। इनमें एक बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी है, जिन पर 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें करीबन 9 लोग इसमें शामिल है, और पुलिस के मुताबिक जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले को 5 टीमें गठित की थी और 900 से ज़्यादा CCTV चेक किए थे, 100 से ज़्यादा CDR मोबाइल फ़ोन की लोकेशन देखी गई थी और 500 से ज़्यादा लोगों पर पूछताछ की थी, उसके बाद ये मामला खुलासा किया है, जिसमें सामने आ रहा है कि इस नाबालिग लड़की को 23 जून की रात को उसके भाई के दोस्त है नितिन नाम का, वो घर से पार्टी के बहाने ले गया था और वहां पर इसको नशीला पदार्थ कराकर इसके साथ गैंगरेप किया, उसके अलावा इसको घर छोड़ा और इसको धमकाया भी कि वो किसी को ये बात ना कहे। इसके अलावा जो अमित सैनी नाम का व्यक्ति जिसका नाम सामने आ रहा है, जिस पे भी मुकदमा है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि जैसे ही इस लड़की ने उसको बताया और वो काफ़ी नाराज़ हुआ और उसके परिवार और अमित सैनी ने उसके साथ मारपीट की और उसको हाईवे पे छोड़ दिया और तब तक उस वहाँ पर छोड़ के रखा जब तक वो उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया और उसकी डेथ नहीं होगी। इसके अलावा आदित्य राज सैनी के बारे में बताया जा रहा है, उसको इस पूरे मामले की जानकारी थी, लड़की की डेथ के मामले में जानकारी थी, लेकिन उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी, ना ही सहयोग किया। इसके अलावा मृतका की माँ को भी पुलिस के पास जाने से रोका गया, इस लिहाज से उस पर 120 का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि आदित्य राज सैनी फरार है, जिसकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला जब सामने आया तो भाजपा संगठन ने आदित्य राज सैनी, जो कि भाजपा के ओबीसी मोर्चे के सदस्य थे, उनको तत्काल पार्टी से निष्कासित किया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार में ओबीसी आयोग में नामित सदस्य थे, सरकार ने भी एक्शन लेते हुए इसको हटाया। कुल मिलाकर पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है और ये काफ़ी गंभीर है।